सोलन के दिल माल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क की हालत बद से बदतर हो चली है। यहाँ आसपास गंदगी फैली हुई है, झूले टूटे पड़े हैं, बैठने के लिए उचित प्रबंध नहीं है। इसके अलावा पार्क में पड़ी खाली मदिरा की बोतलें गवाही दे रही है कि यह पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। इस पार्क को सुधारने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इसकी हालत जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते यहां आने वाले शहरवासियों और पर्यटकों को काफी हताशा हाथ लगती है। पार्क में घूमने आए लोगों ने कहा कि सोलन में पार्कों की हालत बेहद दयनीय है। पार्क में देखने लायक चीज कुछ भी नहीं है, झूले टूटे पड़े हैं, पार्क में फूल कम और गंदगी अधिक दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्क में पर्यटक कम नशेड़ी अधिक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नगर निगम को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे और पार्क का जीर्णोद्धार करें। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा थी कि नगर निगम बनने के बाद पार्कों की हालत सुधरेगी, लेकिन उनका अनुमान गलत था। पार्कों की हालत सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही है। मेरा कहना है कि ये जो जब से नगर निगम बना है, तब से इसका ज़्यादा ही कुछ मतलब हालात खराब है। इसको नगर निगम को ये सोचना चाहिए भी यहाँ कर्मचारी, रिटायर्ड आदमी और बच्चे बुजुर्ग यहाँ टहलने आते हैं, अपना टाइम पास करने आते हैं। यहाँ की जो दशा है उसको सुधारना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ आना जाना और बैठने के लिए सुविधा हो। यहाँ इसकी दशा सुधारनी चाहिए और इसमें ताकि आदमी का आवाजाही अच्छी तरह से रहे, अच्छा ये शहर की सुंदरता का एक उदाहरण रहे। प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि यहाँ CCTV वगैरह कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए जिससे इस पर निगरानी रखी जा सके। सरकार को देखना चाहिए कि हमारे जो बच्चों के लिए पार्क बने हैं या लोगों की सुविधा है, उसकी थोड़ी देख रेख की जाए, उसकी जो चीज़ें टूटी फूटी है उनका भी ध्यान रखा जाए, टूटी फूटी चीज़ों को ठीक किया जाए, साफ नीचे जहाँ बच्चे खेलते हैं हमारे वहाँ पर पूरा गंदगी फैली है, उसको थोड़ा ठीक किया जाए। बाकी क्या है, बाकी तो सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है सर, बच्चों का और हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं पार्क में बैठते हैं, पार्क की कंडीशन देखें तो काफ़ी ख़राब कंडीशन है। जो ये ना सोलन में जो चिल्ड्रन पार्क है, इसको जो स्थिति है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। हर जगह गंदगी है, हर जगह कूड़ा करते हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ भी है, सब कुछ है। यहाँ पे सफाई नहीं होगी ना तो यहाँ पे कोई आएगा नहीं। ये स्पेशली ना बुजुर्गों और बच्चों के लिए होता है, वो नहीं आएंगे तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये गुजारिश है कि जितने भी है ना ये सफाई कर्मचारी, उनके ऊपर बड़े बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि उसको साफ़ किया जाए डेली, इसकी सफाई का ध्यान रखा जाए और इसको अच्छा साफ सुथरा बनाया जाए। हिमाचल साफ होगा तभी सब साफ होंगे, देश साफ रहेगा हमारा, बस यही मर्जी गुजारिश है। ये सर गंदगी तो यहाँ पे जो इधर लोग के लोग की फैला रहे, यहाँ पे जो आ रहे हैं यहाँ पे कुछ लड़के लड़के आते तो यहाँ पे गंद फैला के चले जाते हैं। आप देख सकते हो झूले झाले सारे तोड़ दिए यहाँ पे, और इसकी अब यही बोल सकते हैं कि इसकी सफाई करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी गाना जाना रहता है तो इतने सभी लोग आते रहते हैं यहाँ पे।